गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? टुडे वी विल रिवाइज व्यंजन बोध. दिस इज़ द फोर्थ असाइनमेंट ऑफ हिंदी. नाउ लेट्स वी स्टार्ट व्यंजन बोध. इसे हमने बेटा पहले भी रिवाइज किया है, अब इसको हम बार बार रिवाइज करेंगे तभी आपको इनकी पहचान होगी. व्यंजन बोध. क से कबूतर, क से कछुआ, ख से खरगोश, ख से खत, ग से गधा, ग से गमला, घ से घड़ी, घ से घड़ा, ड खाली. नेक्स्ट लाइन. च से चम्मच, च से चटाई, छ से छतरी, छ से छत्ता, ज से जग, ज से जहाज, झ से झरना, झ से झंडा. यूं खाली. अब ये थर्ड लाइन है बेटा, ये न्यू लाइन है, ध्यान से आपने सुनना है. ट से टमाटर, ट से टब, ठ से ठठेरा, ठ से ठेला, ड से डमरू, ड से डाकिया, ढ से ढोलक, ढ से डफली, ण खाली. इसे हम फिर से रिवाइज करेंगे. ट से टमाटर, ट से टप, ठ से ठठेरा, ठ से ठेला, ड से डमरू, ड से डाकिया, ढ से ढोलक, ढ से टफली, ण खाली. अब आप मेरे पीछे पीछे बोलो. ट से टमाटर, ट से टब, ठ से ठठेरा, ठ से ठेला, ड से डमरू, ड से डाकिया, ढ से ढोलक, ढ से डफली, ण खाली. इसे आपने बार बार ऐसे ही रिवाइज करना है. अब हम आपको लिखना सिखाएंगे ट से टमाटर कैसे लिखते हैं. सबसे पहले स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, सी बना देना. ये क्या बना? ट से ट.
टमाटर। स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, इसके साथ ही ऐसे सर्कल के जैसे बना देना। ये क्या बना हमारा बेटा? ठ से ठठेरा। अब हमने ड से डमरू बनाना है। स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, जैसे ट से टमाटर बनाया था ना, वैसे ही आपने ऐसे बनाना है। फिर इसको ऐसे घुमा देना है। ये क्या बन गया? ड से डमरू। उसके बाद ढ से ढक्कन। स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, फिर जैसे ट से टमाटर बनाया था हमने, वैसे बनाना है। इसको घुमा देना है। ये क्या बन गया बेटा? ढ से ढक्कन। ण खाली, स्लीपिंग लाइन। अब यू यू जैसे मिला देना, ऐसे यू बनाते हो ना आप इंग्लिश में, वैसे। और उसके साथ वन स्टैंडिंग लाइन लगा देनी है। ये क्या बन गया? ण खाली। एक बार फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, इंग्लिश अल्फाबेट सी बनाना है। ये क्या बना? ट से टमाटर। स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, फिर जैसे सर्कल बनाते हैं वैसे ही छोटा सा बना के इसको इसके लाइंस के साथ मिलाना है। ये क्या बन गया बेटा? ठ से ठठेरा। स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, सी बनाया, इसको इधर से घुमाया, ड से डमरू बन गया। स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, ट से ठठेरा, ट से टमाटर बनाया, इसको घुमाया, ढ से ढक्कन। स्लीपिंग लाइन, यू शेप में इसको मिलाया। स्टैंडिंग लाइन, ण खाली। आपने इसको ऐसे ही लिखना है बेटा। बार बार इसकी आपने रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है और फेयर नोटबुक पे इस लाइन को ऐसे ही लिखना है। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू।